चलिए दोस्तों, आज हम ऑर्थोग्राफी के बाद हम लोग इटिमोलॉजी की शुरुआत करते हैं, जो ब्रांचेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर का है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग ऑर्थोग्राफी प्रीवियस वीडियो में हम लोग समाप्त किया था, दैट मीन्स प्रीवियस क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लोग इटिमोलॉजी पर चर्चा करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग हेडिंग देंगे दोस्तों। चलिए, इटिमोलॉजी का डेफिनेशन है, इटिमोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट वर्ड, वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ड, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, जम्बल्ड लेटर, होमोनिम्स और पैरोनिम्स। अगर इसको हम हिंदी में डिफाइन करें तो हिंदी में हम इस तरह कह सकते हैं, शब्द विचार अंग्रेजी व्याकरण का वह शाखा है जिसमें हम शब्द, विभिन्न प्रकार के शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, जम्बल्ड लेटर्स, होमोनिम्स या पैरोनिम्स के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग सबसे पहले हम वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग ये याद रखिएगा, जब वर्ड का अर्थ शब्द होता है तो वो सिंगुलर और प्लुरल दोनों में प्रयोग हो सकता है, परंतु जब वर्ड का अर्थ वचन होता है तो ये सिर्फ सिंगुलर में ही प्रयोग होता है। ओके, तो अब चलेंगे हम लोग, जानेंगे वर्ड का डेफिनेशन। ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए सेंस इज कॉल्ड वर्ड, यानी अक्षरों का वैसा समूह जिससे अर्थ निकलता हो या अर्थ बनता हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। दोस्तों, जैसे हम देखिए, हम लिख रहे हैं पी पी ए एल ई, ये अक्षरों का समूह तो है, लेकिन इससे क्या है, कोई अर्थ नहीं निकलता, ये कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि ये अक्षर के समूह को होने के बावजूद इससे सेंस नहीं निकल रहा है। अगर हम यही पी पी ए एल ई को हम लिख दें ए पी पी एल ई, एप्पल, एप्पल मीन्स क्या होता है, सेब। तो अब देखिए, ये आपका क्या है, एप्पल एक शब्द है, जबकि पी पी ए एल ई ये एक जम्बल्ड लेटर है। जो मैं जम्बल्ड लेटर यहाँ लिखाया हूँ, जम्बल्ड लेटर्स, इसका डिफाइन जब बाद में करूँगा तो समझाऊँगा, तो ये एक शब्द नहीं है, जबकि एप्पल एक शब्द है। अगर हम लिख रहे हैं ई टी ए, देखिए इससे कोई मतलब नहीं निकलता, यानी ये कोई शब्द नहीं है, लेकिन इससे दो शब्द बन सकती है, एक टी और एक ईट, और ईट और टी ये दोनों क्या है, शब्द है। तो मैंने यह क्या देखा कि शब्द का समूह रहता है, फिर भी इससे अगर अर्थ नहीं निकलती है तो वो शब्द नहीं होता है। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें हम लोग चार रूपों में वर्णन किया है। पहला, जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्ड, सिंपल वर्ड, कंपाउंड वर्ड और कॉम्प्लेक्स वर्ड। दूसरा लिखा है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड, फंक्शन के अनुसार दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक्शन वर्ड और नॉन एक्शन वर्ड, और अकॉर्डिंग टू फॉर्म देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड, फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर क्लासेस, और एट लास्ट अकॉर्डिंग टू नंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड, सिंगुलर वर्ड और प्लुरल वर्ड। चलिए, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सभी की बारी बारी से डेफिनेशन देखेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू टुमारो। और जो मेरे न्यू व्यूअर हैं, अगर इस टाइप का वीडियो पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।